हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं जीरो से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक का कंप्लीट रोडमैप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू का सिलेबस क्या है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए मेनली तीन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकेंड है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, एंड थर्ड है सिस्टम डिजाइन। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो सबसे मेन सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑप्स कॉन्सेप्ट, उसके बाद आता है डीबीएमएस, एंड फोर्थ आता है नेटवर्किंग। चलिए डिस्कस करते हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली क्वेश्चन शेड्यूलिंग, प्रोसेस, थ्रेड, सीमाफोर, म्यूटेक्स, लॉकिंग, डेडलॉक, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो रिसोर्सेस फॉलो कर सकते हैं वो है आपकी बहुत अच्छी एक बुक है गैलविन की बुक, जो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां से आप ये सब सारे मेन कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं और आप ऑनलाइन ब्लॉग्स रिफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्स कॉन्सेप्ट की तरफ। ऑप्स कॉन्सेप्ट में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इंपॉर्टेंट ऑप्स का कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्स के लिए जो रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी बुक है इसमें हेड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, और उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है आपका एसक्यूएल ज्वाइंस, ट्रांजेक्शन, एसिड प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके लिए रिसोर्सेज जो है आप मोस्टली ऑनलाइन ब्लॉग्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप रिफर कर सकते हैं। लास्ट आता है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो है आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट से एसएमटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सब प्रोटोकॉल के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि लेट से आपने ब्राउजर में google.com टाइप किया तो एंड टू एंड फ्लो क्या है, कैसे रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर तक कैसे रिक्वेस्ट जाती है, क्या क्या पाथ को फॉलो करती है, और इसके लिए रिसोर्सेज जो है आप मोस्टली ऑनलाइन ब्लॉग्स या ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप रिफर कर सकते हैं। ये था पूरे कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस। नेक्स्ट मूव करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर में बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर ले, आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बिकॉज आपको पता है कि प्रोग्रामिंग जस्ट सिंटेक्स, आपको कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं, बस सारे में कॉन्सेप्ट सेम है, सिंटेक्स बस चेंज होता है। सेकंड पॉइंट आती है जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीख रहे हैं, कुछ कुछ जो चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, चेक वेदर गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट, रिवर्स नंबर। सो ये सब क्वेश्चन में आपको लूप्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार आपने पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया फिर आप एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, रिकर्सन एंड बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए कोई भी आप ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, प्रेफर मैं बोलूंगा आपको लीड कोड या गिक्स पर गिक्स में कोई भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, दोनों कोई भी आप चूज कर सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं, और शुरू में आप बेसिक और मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक और मीडियम लेवल एक बार क्वेश्चन आप सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस मिल गया आपको, फिर आप अलोंग विथ डेटा स्ट्रक्चर सीखते हुए अलोंग विथ डीएसए आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनियां ऑफ कैंपस या प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट टर्म ऑनलाइन टेस्ट लेती है, जिसमें से अगर आपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग किया अच्छे से वो बहुत आपको हेल्पफुल होने वाला है। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म है वो है हैकर अर्थ, हैकर रैंक, कोड सेफ, कोड फोर्स। सो ये तीन से चार प्लेटफॉर्म है जहां कॉम्पिटेटिव कोडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक कोई भी आप उठा सकते हैं। अभी क्या है, आप धीरे धीरे ऐसे भी पढ़ रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे आप डीएसए को पूरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डीएसए में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लेट से आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, लेट से आपने एरे पढ़ लिया, तो आपको ना मॉक इंटरव्यू भी आप देकर टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी नॉलेज कितना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार होता है कि यू नो आप जानते हो, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करना जानते हो, खुद से एक्सप्लेन करो, लेकिन क्या सामने वाले को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आपको तभी पता चलेगा जब एक मॉक इंटरव्यू दोगे। तो मॉक इंटरव्यू आप या तो बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, लेट से कि टॉपमेट है जहाँ पे पेड मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, या आप अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं। तो ये था डीएसए का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें रिसोर्सेज ऑलरेडी मैं बता दिया था, जैसे रिसोर्सेज हैं गिक्स पर गिक्स, लीड कोड, एनी ऑफ द, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जहां से आप रिफर कर सकते हैं। और मूव करते हैं सिस्टम डिजाइन की तरफ। सिस्टम डिजाइन का दो पार्ट है जिसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, एक है आपका हाई लेवल डिजाइन, दूसरा है लो लेवल डिजाइन। सो एक्चुअल सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको सिस्टम डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक लोड बैलेंसर, डेटा पार्टिशनिंग,
कैसिंग, कैप थ्योरम एक्सेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले पता होना चाहिए, जो कि बहुत हेल्प करेंगे जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया फिर आप मूव कर सकते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के प्रैक्टिस की तरफ। तो अगर आपने 15 से 16 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया दैट इज मोर देन इनफ है। तो जो रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं हाई लेवल सिस्टम डिजाइन के लिए वो मोस्टली आपका बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लाइक गौरव सेन का यूट्यूब चैनल है और भी 2-3 यूट्यूब चैनल है जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एडुकेटिव का पेड कोर्सेस हैं सिस्टम डिजाइन का, बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आप बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं सिस्टम डिजाइन के लिए। सिस्टम डिजाइन में जो बहुत एक चीज़ बहुत की रोल प्ले करते हैं वो है आपका डिस्कशन, बिकॉज सिस्टम डिजाइन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, जिसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, कि ये पर्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं होता, वो बहुत ओपन एंडेड होते हैं। तो उसको आप मास्टर्स बनने के लिए आपको किसी दोस्त से या किसी से डिस्कस करेंगे तो उससे आपको ना बहुत सारे डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे क्या आप जो आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो क्या सामने वाले को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये सारा चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप किसी से डिस्कशन करेंगे। तो एक बार डिस्कशन जरूर करें। तो चलिए मूव करते हैं लो लेवल सिस्टम डिजाइन की तरफ। सो लो लेवल सिस्टम डिजाइन एक्चुअली सारी कंपनी में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर कंपनी लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट सब में पूछे जाते हैं। और आपके पास अगर सर्टेन एक्सपीरियंस है तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लो लेवल डिजाइन में आपको कोड एक्चुअल कोड करने पड़ते हैं, तो दैट्स वाई लाइक इट्स टेक टाइम। बट हाई लेवल डिजाइन लो लेवल डिजाइन लिटिल भी डिफरेंट है, बट उसमें आपको एक्चुअल कोड करना पड़ता है, उसमें बस हाई लेवल आपको डिस्कशन करना होता है। लो लेवल डिजाइन के लिए आप जो रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, दो बुक बहुत अच्छी बुक, फर्स्ट बुक है जो है हेड फॉर जावा का डिजाइन पैटर्न बुक्स, एंड सेकेंड है गेंगा 4 एक बुक है जो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल एंड अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं लो लेवल डिजाइन के लिए। तो ये था जीरो से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक का कंप्लीट रोड मैप। अगर आपने ऐसा फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अंत में आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा, बी कंसिस्टेंट। सेकंड जो है आपको इस मॉक इंटरव्यू देते रहना पड़ेगा, मॉक इंटरव्यू आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। थर्ड है बहुत लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए परफेक्ट बनने के लिए। सो देखो डोंट गो फॉर क्वांटिटी, जस्ट ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें आप क्वालिटी के पीछे जाए ना कि आप क्वांटिटी के पीछे जाए। पास्ट टॉपिक्स का रिवीजन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप न्यू चीज पढ़ते जा रहे हो और प्रीवियस चीज का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि आप 80% टाइम जो है वो करेंट टॉपिक्स पे दे सकते हैं और 20% टाइम जो है प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करने में दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।